हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य निर्भर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खून की कमी के बारे में। अगर आपको कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में दर्द होता है, सुबह उठते समय कमजोरी सा आता है, आप बाहर मार्केट से आते हैं, जॉब करके आते हैं, आपको घर में जाने से अंधेरा सा लगता है, डर सा लगता है, आपको ऐसा धुंधलापन दिखाई देता है, आपकी आँखों की रोशनी कम हो चुकी है, अगर आप कुछ भी अगर खाते पीते हैं तो उसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हमेशा पेन होता रहता है। जो आपके मुँह का स्वाद होता है गाइस, वो बदल जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो पेन होते होते वो बुखार में बदल जाता है। जब बुखार हो जाता है तो आप लोग देखते हैं कि कुछ भी खाएं पिए तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। और इसके साथ हम आपको बता देते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको अपने डाइट के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे शरीर पे और एक बुरा असर पड़ता है। जैसे कि सुबह सुबह जैसे कि कुछ ऐसे गलत चीज़ें खा लेते हैं, या बासी खाना खा लेते हैं, या ज़्यादा जंक फूड वाली चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर अगर सुबह सुबह इन सब चीज़ों का अगर सेवन कर लेते हैं, तो यही सब चीज़ें जो है कि हमारे पाचन में जाकर नुकसान पहुँचाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान होता है। तो ऐसे चीज़ों का सेवन न करके बल्कि हम अच्छे पौष्टिक चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि सुबह केला खाएँ, बादाम खाएँ, चना खाएँ, भिगोए हुए चना खाएँ, बादाम खाएँ, काजू खाएँ, किशमिश खाएँ, जो कि आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और इससे आपके शरीर में भरपूर ताकत एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आपको कभी भी खून की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी नहीं होगा, इससे आपके जोड़ों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। घर का बनाया हुआ रोटी खाएं, सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी खा सकते हैं, पराठा सब्जी खा सकते हैं, पूड़ी सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ जो खाएंगे ना तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। इसकी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये एकमात्र नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए जान लेते हैं उस नुस्खे के बारे में, उसको सेवन कैसे करना है और उसके फायदे क्या है। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको रोजाना सुबह सुबह पपीता का जूस पीना है। जैसे कि पपीता का जूस तो लीवर वाले व्यक्ति को, डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी रोजाना पीना चाहिए। उन लोगों के लिए लीवर जो पाचन होता है, जो उनकी पाचन अगर खराब है, अच्छे से कोई भी चीज़ पचा नहीं पाती है, या फिर उनके अंदर कमजोरी है, थकान है, ऐसे कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो जोड़ों का पेन हो या दर्द हो, तो पपीते का जूस सभी को पीना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी उनको हेल्थ के लिए बेनिफिट मिलता है, खून का जल्दी बहुत ही, अगर आपको व्हाइट वाला खून कम है या फिर जो रेड वाला खून होता है अगर वो कम है, तो इन सारी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए या जो पपीते का जूस है बहुत ही जल्दी असर करता है। और पॉइंट नंबर टू सकते हैं, अब चुकंदर तो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, चुकंदर का जूस भी आप पी सकते हैं, उसमें हल्का सा मिश्री डाल सकते हैं, क्योंकि उसका स्वाद तो हल्का सा कड़वा लगता है, बहुत लोग उसको पीना ही नहीं चाहते, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अनार का जूस पी सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको पी नहीं सकते इसका जूस बना के, तो इसको सलाद के रूप में काट के खा सकते हैं ना। सलाद को कब खाना है आपको? दिन में एक बार खाना है, जब दोपहर का लंच करते हैं, तो लंच करते समय आप इन सब चीज़ों को सलाद के रूप में काट के खा सकते हैं। जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, काकड़ी हो गया, खीरा हो गया, और गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को सलाद के रूप में काट के खा सकते हैं। इससे क्या है कि आपका शरीर तो हेल्थ रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपको कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 एसिड, इन सब चीज़ों की अगर जो कमी रहती है, साथ ही पाचन में जो जहरीली पदार्थ रहते हैं, जो पोटी साफ नहीं होती, जो सड़ जाती है पोटी हमारे पेट के अंदर, बहुत ही कड़ा, बहुत ही टाइट होती है, जो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, खून कमी हो जाता है, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो ये जो एकमात्र नुस्खा बहुत ही व्यर्थ है, बहुत ही जल्दी इसका असर करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने शरीर को मजबूत, स्वस्थ, निरोगी बनाए रखने के लिए जो छोटा छोटा टिप्स है, आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। क्यों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कोई भी नए नए वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ किसी एक अलग नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।